आज हम कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण पाठ 4 लाभदायक पौधे के बारे में पढ़ेंगे। पौधों से हमें नित्य जल, वायु और भोजन प्राप्त होता है। आप जानते हो हमको पौधे से ही जल, वायु और भोजन प्राप्त होता है। पौधे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर पौधे नहीं होते तो हमारा जीवन संभव नहीं था। पौधे के मुख्य अंग हैं जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। जैसे हमारे शरीर के अंग हैं हाथ, पांव, मुंह, ये सारे हमारे शरीर के अंग हैं, ऐसे ही पौधों के मुख्य अंग हैं जड़, तना, पत्तियां, फूल और फल। पौधों के सभी अंग किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं। जो पौधे के अंग रहते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं। पौधे मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ, औषधि, तेल, रेशा, इमारती एवं जलाऊ लकड़ी आदि के काम आते हैं। इस प्रकार पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। आइए इनके गुणों के बारे में जानें। भोजन देने वाले पौधे। कुछ पौधों की जड़ खाने के काम आती है। आप जानते हो कुछ पौधों की जड़ें खाने के काम आती है, जैसे मूली, गाजर, शलजम, चकुंदर, आलू, अरबी, अदरक, प्याज, लहसुन आदि। इन सब की हम जड़ें खाते हैं। ये खेत के अंदर उगते हैं तो इनकी जड़ें हम खाते हैं। कुछ पौधे के तने खाने के काम आते हैं, जैसे गन्ना। कुछ पौधों की पत्तियां खाई जाती हैं। हम कुछ पौधों की पत्तियां खाते हैं, जैसे पालक, गोभी, मेथी, सरसों आदि। ये सब सब्जियों के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। कुछ पौधों के फूल खाए जाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल खाए जाते हैं, जैसे फूल गोभी, कचनार आदि। कुछ पौधों के फल खाने के काम आते हैं, जैसे अमरूद, आम, केला। कुछ पौधों के फल सब्जी बनाने के काम आते हैं। कुछ पौधे होते हैं उनके फल सब्जी बनाने के काम आते हैं, जैसे कद्दू, टमाटर, बैंगन, करेला, भिंडी, लौकी आदि। ये पौधों के फल हैं। कुछ पौधों के दाने खाए जाते हैं, जैसे मक्का, मटर, चना आदि। कुछ पौधों से पेय पदार्थ बनते हैं, जो पीने के काम आते हैं उनको पेय पदार्थ बोलते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। औषधि पौधे अश्वगंधा, कालमेघ, नीम, गिलोय, तुलसी आदि। ये क्या है, औषधि के रूप में काम आते हैं। तेलीय पौधे, जिनसे तेल निकलता है उन्हें तेलीय पौधे कहते हैं, जैसे सरसों, मूंगफली, अलसी, सोयाबीन, नारियल, तिल आदि। ये क्या है, तेलीय पौधे, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है और तेल खाने के उपयोग में आता है। रेशेदार पौधे, जैसे कपास, जूट आदि। सजावटी एवं सुगंधित पौधे, जो सजाने के रूप में भी काम आते हैं और खुशबू भी रहती है जिसमें, उन्हें सुगंधित पौधे भी कहते हैं, जैसे गुलाब, मोगरा, चंपा, चमेली, गेंदा, जास्मिन, मनी प्लांट आदि। ये क्या है, सजावटी एवं सुगंधित पौधे। कागज एवं गोंद देने वाले पौधे, जिनसे हमें कागज और गोंद प्राप्त होते हैं। बांस, गन्ना, बबूल, रबर आदि, इनसे हमें कागज एवं गोंद प्राप्त होता है। इमारती एवं जलाव लकड़ी देने वाले पौधे, सौगन, शीशम, क्या क्या है, सागौन, शीशम, देवदार, नीलगिरी, आम, नीम, बबूल आदि। ये क्या है, जलाव लकड़ी के काम में भी आते हैं और इमारती लकड़ी के भी काम आते हैं। फिर है पर्यावरणीय पौधे, तुलसी, नीम, पीपल आदि। आज हमने पौधों के बारे में सीखा है कि लाभदायक पौधे कौन कौन से होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।